अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद सलमान, योर होस्ट, एंड यू आर वाचिंग यू मी एंड टेक। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इस तरह की स्पॉट्स वाली स्किन या मतलब डैमेज स्किन या मतलब किसी भी तरह के जो निशान होते हैं स्किन के ऊपर, वो कैसे रिमूव करते हैं, और बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वो काइंडली मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इस सारे काम के लिए मैं सिर्फ एक टूल यूज़ करूँगा, और उस टूल का नाम है पैस टूल, जो कि यहाँ पे अवेलेबल होता है आपके आई ड्रॉपर टूल के बिल्कुल नीचे। आप इसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि पैस टूल आ रहा है, इसकी कमांड जे होती है, और अगर ये जे दबाने से ना आए तो शिफ्ट दबा के 3 दफ़ा जे करेंगे तो ये पैस टूल सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो मैनुअली इधर से जाके आप अपनी टूल बार के अंदर से इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टूल है, इसकी बेस के ऊपर मैं सारा ये रिमूव करूँगा। मैं आपको थोड़ा सा ये कर इसका यूज़ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद ये है कि ये काफ़ी लंबी वीडियो ना बने इसलिए मैं फटाफट इसे करूँगा, तो मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट चला दूँगा। तो ये देख रहे हैं, आपने पहले एक सिलेक्शन बना लेनी है, इसे आपने किसी सा क्लियर एरिया पर लेके जाना है और उस सिलेक्शन को रिप्लेस कर देना है उस क्लियर एरिया से। जैसे कि मैंने ये डॉट है, मैं इस सिलेक्शन को यहाँ पर लेके जाता हूँ और ये डॉट रिमूव हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इस सिलेक्शन को यहाँ पे ले आऊँगा, ये रिमूव हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि ये रिमूव मैं कर दूँ, मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा पैच टूल के साथ मैनुअली माउस के साथ अपने, और मैं इसको जब यूँ ड्रैग करूँगा क्लियर स्किन की तरफ, तो ये देख रहे हैं आपके रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बिफ़ोर एंड आफ्टर करें तो यहाँ पे देख लें आप ये डॉट्स से जो कि हमने रिमूव कर दिए हैं। अब टाइम ज़्यादा मैं कंज्यूम नहीं करना चाह रहा आप लोगों का, तो मैंने सिर्फ आप लोगों को बताना था बेसिकली ये टूल के यूज़ क्या है, और ये टूल बहुत प्रोफेशनल टूल है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लोग यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो फैशन फोटोग्राफर्स हैं वो एडिटिंग करते हैं। मतलब ऑब्वियसली किसी की भी स्किन सारी साफ तो होती नहीं है जो हमें तस्वीरों में नज़र आती है, तो वो इस टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब टाइम को सेव करने के लिए मैं अब फटाफट ये काम करूँगा, तो वीडियो मैं अब तेज़ यहाँ से कर दूँगा, तो काइंडली वॉच करें एंड तक और आखिरी रिज़ल्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि स्किन ऐसे हो गई है, अब मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर करके दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा वाजे फ़र्क फील हो जाएगा। जो कि मैंने सारा जितना भी कुछ किया, मैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैंने इसकी कॉपी बना ली थी इस लेयर की, तो आप ये देख सकते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी इस फॉर्म में आ गया है, ये पहले इस फॉर्म में था। मतलब आप देख सकते हैं कि ये बिफ़ोर एंड आफ्टर, तो एक टूल इतना पावरफुल यूज़ हो सकता है। मैंने पहले सोचा था मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्किन की स्मूदनिंग की भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाजमी लेके आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई एम योर होस्ट मोहम्मद सलमान, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हेयर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स एंड अल्लाह हाफिज़।